हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर की पांचवी कहानी फिफ्थ स्टोरी, जिसका टाइटल है शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसको पढ़ेंगे। और इस कहानी को लिखा है जॉन अपडाइक ने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी, कहानी, इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, उसको देख लेते हैं। हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ लिटिल चाइल्ड। जो कहानी है ये एक बच्चे का क्या दृष्टिकोण होता है, और ये वर्ल्ड वाइड व्यू की बात हो रही है। बच्चा चाहे वो दुनिया में किसी भी कंट्री का हो, सबके दृष्टिकोण सेम होते हैं, उसकी कहानी बताई जा रही है। एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन सीरीज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विथ हर फादर। एक्चुअली इसमें होता क्या है, एक फादर अपने डॉटर को कहानी सुनाते हैं, और बीच बीच में जो बच्ची होती है मोरल क्वेश्चन रेज करती है। तो वही डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन जो रेज करती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विथ हिज फादर, उसी को यहाँ पर बताया गया है। इस कहानी का मेन मोटो यही है कि एक बच्ची कहानी के दौरान जो मोरल क्वेश्चन रेज करती है, उसकी बात की गई है। और ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, और ये पूरे विश्व में सब देश के बच्चों के लिए है। अब देखते हैं कहानी में क्या है। इन द इवनिंग एंड फॉर द सैटरडे नैप, शाम को जो है कहानी उसके पिताजी शाम को सुनाते हैं। एंड और कब सुनाते हैं, फॉर सैटरडे नैप, और सैटरडे के दिन उनकी बच्ची को नींद आने के लिए कहानी सुनाते हैं। लाइक टू डेज जैक, और ठीक उसी तरह आज भी जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी लड़की को अपने दिमाग से गढ़कर, आउट ऑफ हिज हेड का मतलब है कि कभी बनी बनाई कहानी नहीं सुनाता, किसी की सुनी हुई कहानी को नहीं सुनाता, खुद अपने मन से कहानी को गढ़ता है, खुद इसके दिमाग की उपज होती है। तो अपने दिमाग की उपज की एक कहानी को अपने खुद कहानी बनाकर अपनी बेटी जो को सुनाता है, जिससे कि उसको नींद आ जाए। दिस कस्टम, यह जो परंपरा है, बिगिन व्हेन शी वाज टू, और इस परंपरा की शुरुआत तब से हुई जब जो सिर्फ 2 वर्ष की थी। वाज इट्सेल्फ नाउ रियली 2 ईयर्स ओल्ड, जो कि अब उसको 2 साल हो गया है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका सर अब पूरी तरह से लगभग खाली हो गया है। अब 2 साल से वो कहानियाँ सुना रहा है, तो 2 साल से कहानी सुनाते सुनाते और किसी की लिखी हुई कहानी नहीं सुनाता, कहीं से सुनी हुई कहानी नहीं सुनाता है, अपने खुद दिमाग से कहानी बनाता है, कहानी गढ़ता है और बच्ची को सुनाता है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि 2 वर्ष हो गया कहानी को सुनाते हुए, और उसका दिमाग भी अब लग रहा है कि खाली हो गया था। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल, जो भी नई कहानी सुनाता था उस कहानी में पिछली कहानी में थोड़ा सा मूल कहानी को परिवर्तित करके, चेंज करके नई कहानी बनाता था। और इस ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, कह रहा है कि हर कहानी में एक जानवर को लेता था, एक जानवरों की कहानी सुनाता था, और लगभग हर कहानी में जो जानवर का नाम होता था वह प्राय रोजर होता था, रोजर से शुरू होता था, टाइटल उसका रोजर ही रखता था। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिपमंक, इस तरह से जिस भी जानवर का वो नाम लेकर कहानी सुनाता था उसके पहले वो रोजर टाइटल जरूर लगाता था। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और कहानी में बताता था कि अगर किसी जानवर को कोई भी परेशानी होती थी, कोई समस्या होती थी, तो जानवर सीधे बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था। ये सब में सब कहानियों का यही था कि हर जानवर को लेता था और उसको कोई परेशानी क्रिएट करता था, चूँकि कहानी इसके दिमाग की उपज थी, और उस सीधे परेशानी के सॉल्यूशन के लिए, समस्या के समाधान के लिए सीधे भेजता था ओल्ड वाइज आउल के पास। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, और जो बूढ़ा उल्लू होता था वह उनको एक विजर्ड के पास भेज देता था, एक जादूगर के पास भेजता था। ये इस तरह से उनकी एक सीरीज थी, और लगभग हर कहानी में वही होता था कि जब किसी को समस्या हो रही है तो वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था, और उल्लू उससे
उनको जादूगर के पास जाने के लिए कहता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जादूगर एक जादू करता था जिससे उनकी समस्या हल हो जाती। समस्या तो हल हो जाती थी, लेकिन डिमांडिंग इन अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर द रोजर क्रिएचर हैड। तो चूंकि बन की कहानी थी तो उसमें जादूगर क्या करता था, जादूगर रोजर क्रिएचर से इतने पैसे की डिमांड करता था, इतने पेमेंट की डिमांड करता था जो कि इनके पास नहीं होता था। जितना इनके पास होता था उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड करता था। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू द प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनी कुड बी फाउंड। अब जब उनके पास उतने पैसे तो होते नहीं थे और वह उससे ज़्यादा पैसे मांगता था, तो एक और उपाय बताता था। फिर वो उनको क्या करता था, भेज देता था। वह जानवरों को एक ऐसे स्थान पर भेजता था, ऐसा स्थान बताता था जहाँ से उनको अतिरिक्त पैसे मिल जाए, जहाँ पर उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैनी दे कुड फाउंड। द रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर ट्रेन फिसल दैट बॉट हिज डैडी होम बैक फ्रॉम बोस्टन। तो इस तरह से जो भी रोजर क्रिएचर होता था वो दिन भर सब खूब खेलते थे और अपने माँ के पास बिल्कुल सही समय पर पहुँच जाते थे, वापस चले आते थे घर पर भी, जब उन्हें गाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई देती थी, ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, और वो समझ जाते थे कि उसी ट्रेन से उनके डैडी जो हैं, उनके पिता जो हैं, वो घर वापस आ रहे हैं। अब बच्चे तो दिन भर खेलते थे और जैसे ही उनको उस सीटी की आवाज़ सुनाई देती थी जिसमें उनके डैडी बोस्टर से घर लाने वाली ट्रेन की आवाज़ सीटी को सुनते, ये लोग अपने घर वापस अपने मम्मी के पास चले आते थे। जैक डिस्क्राइब्ड दियर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। और जैक अपनी कहानी को, अपनी बात को दोहराता है और जैक डिस्क्राइब दियर सुपर। सुपर का मतलब होता है जो रात का भोजन होता है उसको सुपर कहते हैं। तो जैक अपने भोजन का वर्णन करता है और कहानी खत्म हो जाती है। एंड द स्टोरी वाज ओवर। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल एस्लिप इन नैप्स एनीमोर एंड नोइंग दिस मेड द राइट सिंफा फर्टाइल। अब क्या लग रहा है इसको, अब उस दिन क्या होता है जिस दिन ये कहानी उसको सुनाई जा रही है। तो अब यहाँ पर लेखक को लग रहा है कि जो जैक है इसकी योजना अब काम विशेष रूप से काम नहीं करती है और सैटरडे के दिन इसको थका देती है। सैटरडे का जो दिन होता है वो बहुत ही फटीग वाला दिन होता है, स्पेशली सैटरडे ऑन एक फटीक का दिन होता, पूरी तरह से थका देने वाला दिन होता है। अब वही यहाँ पर लिखे कर रहे हैं कि लग रहा है इस योजना में काम करते रहना विशेष रूप से शनिवार को सैटरडे के दिन वो थका देता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब जो छोटी जो नैप होता है उसको दोपहर के बाद जो लोग सोते हैं उसको नैप कहा जाता है। बिकॉज जो नेवर फेल्ट एस्लिप नैप्स एनी मोर, क्योंकि अब जो को तो नींद ही नहीं आ रही है, जो को बिल्कुल भी दोपहर वाली नींद नहीं आ रही, सोती ही नहीं थी, कहानी भले ही सुनाते थे लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। तो इसलिए अब लग रहा है इनको कि दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। अब जैक को लग रहा है कि उनकी जो कहानी सुनाने का सिलसिला है अब पूरी तरह से बेकार है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, उनका रिवाज अब उनको व्यर्थ मालूम पड़ता है। द लिटिल गर्ल, अब यह जो छोटी लड़की है, फिर कह रहे हैं कि नॉट सो लिटिल एनीमोर, अब वो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रही, छोटी लड़की, लेकिन कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा उतनी छोटी अब नहीं रही। क्यों नहीं रही, द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वेयर हाफ वे डाउन द बेड।
क्योंकि जब वह बेड पर बैठती है तो उसका पैर इतना नीचे लटकता है कि जमीन और बेड के बीच की आधी दूरी तक पहुंच जाता है, हाफ वे तक वो पहुंच जाता है। डियर बिग डबल बेड दैट दिलेट हर बी फॉर नैप एंड फैंसी वाच सिक, उस पलंग पे जिस पलंग पे वह दोपहर के समय सोती थी और जब वह बीमार पड़ती थी तब वह जिस बीमार पर सोने के लिए उसको रखा जाता था उस पलंग पर जब बैठती है तो उसका जो पैर है वो आधी दूरी तक पहुंच जाता है। आधी दूरी का मतलब पलंग और जमीन के बीच की जो दूरी है उसकी आधी दूरी तक पहुंच जाता है। हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन पिलो स्टोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द डॉन शेडेड इट इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट अप टू। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि उसके कहानी के जो 2 साल का छोटा सा इन्फेंट है उसकी तरह से इसको नींद आ जाए, तो वही यहाँ पर लिखे कर रहे हैं कि उसने आखिरकार अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था और जिस तरह से बंद पर्दे से छनकर धूप आती हुई सिरहाने पर रखा हुआ उसका जो मोटा चेहरा चमक रहा था, तो ही हैड लास्ट अरेंज हर सेल्फ, वो अपने आप को व्यवस्थित कर ली थी एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस, उसकी जो मोटा चेहरा था डीप इन पिलो तकिए में वो धसाए रहती थी सोन इन द सनलाइट और वहीं से सूरज की रोशनी को देखती थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैक भले ही कहानी वो सुना रहे हैं बच्ची को लेकिन बच्ची अपने आप को एक हैबिट में ढाल ली थी, हैबिचुअल बना ली थी और वह तकिए में अपना बड़ा सा सिर धसाए हुए देखते रहती थी जो खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। अब उसको नींद नहीं आती थी जैक की कहानियों पर, क्योंकि ऊपर ही बताया गया है कि वह अब हैबिचुअल हो चुकी थी इन सब चीज़ों की और जैक को भी लग रहा था कि अब उसका यह जो प्रयास है यह पूरी तरह से व्यर्थ है। अब उन्हें 2 ईयर इन्फेंट की तरह सो जाए। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका भाई जो बॉबी है वो भी 2 वर्ष का था। अब 2 वर्ष का था तो वो तो सो जाएगा, 2 छोटा बच्चा है। बॉबी वाज 2 एंड ऑलरेडी एस्लीप विथ हिज बोतल, और वो पहले ही अपने मुंह में बोतल लेकर के सो जाता है। मुंह में बोतल लेने का मतलब सब लोग जान रहे हैं कि छोटा बच्चा जो दूध पीता है वो बोतल से ही दूध पीता है, तो ये कह रहे हैं कि वो तो पहले ही सो चुका था। जैक आस्क्ड हू शैल स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब जैक पूछ रहा है हू शैल बी स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो वो कह रहा है कि आज की कहानी किसके बारे में होगी, जो से पूछ रहा है कि आज की कहानी किसके बारे में होगी। तो चूंकि हर बार उसको मालूम है जो को कि जो कहानी सुनाई जाती है उसमें कोई ना कोई एक जानवर होता है और जिसका नाम होता है जो, तो तुरंत वो कह देती है कि रोजर, अब जो कहानी होगी वो रोजर की होगी। जो स्क्विज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग सी वाज थिंकिंग, तो जो तुरंत उछल कर कहती है रोजर की कहानी होगी, जो अपनी आँखें बंद कर ली और सोचने के लिए मुस्कुराई, वास्तव में सोच नहीं रही थी, उसको तो पहले से मालूम था, वो ऐसा दिखावा कर रही थी कि वह कुछ सोच रही है। हर आइज ओपेंड हर मदर ब्लू स्कंक सी सेड फॉर्मली, और जब वो सोच रही थी तो उसने फिर स्माइल करती है, वह सोच रही थी जब उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें उसकी माँ की तरह नीली थी, ब्लू थी, सेट फॉर्मली, और वह दृढ़ता से कहती है, क्या कहती है, अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, तो कह रही है एक नया जानवर, एक नया एनिमल, जरूरी जब नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात होगी, तो कह रही कि निश्चित रूप से श्योरली अब जो कहानी होगी
वो स्कंक के बारे में होगी, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को उसके फादर सुना चुके हैं, उसको लग रहा है कि स्कंक की कहानी अभी नहीं सुनाई है, अब स्कंक के बारे में सुनाएंगे। स्कंक एक छोटा सा जानवर होता है। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टाइल जैक टू क्रिएटिव एंथुसिएज्म। अब उसको कहानी का नायक मिल गया था और नायक को तो उसकी बेटी ने बता दिया, तो एक नए नायक को पाकर कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए, जो जैक का जो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है वो तुरंत जाग उठती है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाती है। ऑल राइट, कहता ठीक है, ही सेड वंस अपॉन अ टाइम। अब वो कहानी की शुरुआत कर देता है। अभी तक तो कहानी की शुरुआत का इंट्रोडक्शन था, कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है। अब जैसे ही उसकी बेटी कहती है कि रोजर स्कंक के बारे में आज कहानी सुनाना है, तो तुरंत उसको जब कहानी का तो नायक मिल गया, कहानी का एक कैरेक्टर जो होना चाहिए वो मिल गया, अब तुरंत वो कहानी की शुरुआत करता है और कहता कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वर्ल्ड वुड्स देयर वाज अ टिनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ट वेरी बैड। तो तुरंत कहानी शुरू कर रहा है कि एक बार की बात है, घने गहरे जंगल में रोजर स्कंक के नाम का एक नन्हा सा छोटा सा जीव रहता था, प्राणी रहता था, एनिमल रहता था, और उससे बहुत ही बुरे तरह की स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत ही बुरी बदबू आती थी उससे, बहुत ही ज़्यादा बदबू आती थी, ऐसा एक जानवर था। तो कहानी है, कहानी में कुछ विशेष रहेगा तभी कहानी को सुनने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये कहता है कि एक घने जंगल में एक छोटा सा जानवर रहता था और उससे बहुत ही बुरी दुर्गंध निकलती थी। तो जो कह रही है कि यस, जो सेड, क्योंकि कहानी के हैबिचुअल है, वो तुरंत कहती है कि हाँ। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम। और कहता है कि उससे इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती थी कि जंगल का कोई भी अन्य जानवर उसके साथ खेलता नहीं था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली सी हैडन फॉर सीन दिस, जो ने उसकी ओर बहुत ही ध्यान से देखा और इस तरह से वो देख रही थी जैसे वो कोई, उसने कभी इस तरह की चीज़ को सोचा ही नहीं था, उसके मन में नहीं थी कि इस तरह की कहानी उसके पिताजी सुनाएंगे। व्हेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जिस्ट रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। All of the other tiny animals would cry, Oh, there comes Roger Skinny, Stinky Skunk, and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. तो कहानी बता रहा है, जब वो खेलने के लिए जाता था और जैक बहुत ही उत्साह से कहता है कि उसे, क्योंकि उसको खुद बचपन में उसके अपमानों की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रोजर के साथ भी बचपन में ऐसे ही हुआ है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि जब वो खेलने के लिए जाता था तो जो अन्य सारे छोटे छोटे जानवर होते थे वो चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, कहते थे ओ लो आ गया बदबूदार रोजर स्कंक। उसको देखते ही लोग, दूसरे जानवर उछल पड़ते थे और चिल्लाने लगते थे, कहते देखो वो बदबूदार जानवर आ गया, और वो वहाँ से भाग जाते थे और रोजर स्कंक वहाँ अकेले खड़ा रहता था। रोजर स्कंक वहाँ पे अकेले खड़ा होता था, क्योंकि जैसे ही उसको देखते थे तो वो तुरंत चिल्लाने लगते थे, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, एंड दे वुड रन अवे, सब लोग वहाँ से भाग जाते थे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर एलोन, ऑल एलोन, बिल्कुल अकेला रह जाता था, एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसके आंखों से दो छोटे छोटे गोल गोल आंसू निकल पड़ते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रोन डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज द ट्रस्ट। अब जब ये कहानी सुनती है जो, तब क्या होता है, जब उस कहानी को सुन रही है तो उस द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, जो कि माउथ का जो कॉर्नर है, दोनों किनारे जो हैं वो नीचे लटक जाते हैं, द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज द ट्रेस्ड विथ अ फोर फिंगर एलॉन्ग द साइड ऑफ अ नोज एंड कर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स। अब क्या होता है, जब कहानी को सुन रही है कि रोजर स्कंक के साथ जो दूसरे जानवर इतना बुरा व्यवहार करते हैं,
तब जोग के मुंह के किनारे झुक जाते हैं, उसका निचला जो होठ होता है, लिप होता है, वो आगे निकल जाता है और अब उसने अपनी जो एक फिंगर है उससे अपने नाक पर रखती है और ऐसे लग रहा है कि जो रोजर स्कंक है उसके आंसू को वह पोंछ रही है, पोंछ खोद रही है। अब उसको लग रहा है, ऐसा एक्शन करती है कि रोजर स्कंक के आंसू को क्या करी है, उसको पोंछ रही है। वॉन्ट ही सी टू द आउल, सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फैंटली रफेंड वॉइस। क्योंकि कहानी में उसको पहले ही बताया, जानती थी कि जब किसी जानवर की समस्या होती थी तो वह सीधे बूढ़े उल्लू के पास जाता था, तो अब तुरंत एक क्वेश्चन राइज कर रही है कि क्या वह उल्लू से मिलने नहीं गया। वह अपने इस क्वेश्चन को ऊंची और भद्दी आवाज में वह अपने फादर से पूछ रही है। Won't he see the owl? He asked high and faintly roughened voice. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her leg seized tensely. तभी उसको क्या पता चलता है, तभी बगल उसके बगल में उसकी बेटी बैठी हुई है और वह अनुभव किया कि उसकी जो पैर हैं उसको इधर उधर करने की वजह से जो चादर थी वह वहाँ से खिंच जाती है, वहाँ से टेंस हो जाती है और जब वो पैर को इधर उधर करता है और इस तरह से जब ऐसा वो चादर उसकी वहाँ से खिसकती है ट्विस्ट टेंसली, तो इससे थोड़ा सा उसको राहत मिलती है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और ऐसा होने से उसको थोड़ी सी राहत मिलती है, उसका टेंशन थोड़ा सा कम होता है, इजी फील करता है। He was telling her something true, something she must know and had no wish to hurry on. क्योंकि आज वो जो कहानी बता रहा था वो एक सच्ची कहानी बता रहा था, जैसा शायद इसके ऊपर खुद गुजरा था, इसलिए उस कहानी को बताने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वह उसे कुछ सच्चाई बता रहा था, कुछ ऐसा जो उसे जानना ही चाहिए था और जल्दी करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। अब उसी समय एक उसको आवाज़ भी आती है नीचे से, कुछ ऐसा जो कुर्सी के रगड़ने की आवाज़ आई और उसे लगा कि क्लियर को रहने वाले कमरे में जो लकड़ी का सामान पेंट किया जा रहा है उसकी सहायता के लिए उसे निश्चित रूप से जाना चाहिए। क्लियर उसके वाइफ का नाम है। अब जो जैक को लगा कि निश्चित रूप से निश्चित जो लिविंग रूम में वुड वर्क का काम हो रहा है और जो पेंटिंग का काम हो रहा है उसकी मदद के लिए उसको भी नीचे जाना चाहिए। बिल खैर ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप अब द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइल्ड ओल्ड आउल। खैर जो भी हो, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बड़े दुख के साथ चलता गया, आगे गया और एक विशाल वृक्ष के पास गया, एक बहुत बड़े पेड़ के पास गया और वो पेड़ कहाँ पर थे, रोजर स्कंक वॉक अलोंग वेरी सैडी एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, बहुत बड़े पेड़ के नीचे आ गया एंड द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उसी विशाल पेड़ के ऊपर टॉप पे सबसे ऊंचे भाग पर एक बुद्धिमान उल्लू रहता था। तो सब कहानी का इसका था कि जो भी जानवर परेशान होता था वो उल्लू के पास जाता था। अब जो उसकी बेटी जो है वो खुशी से उछल पड़ती है, कहती गुड बहुत अच्छा, अब उसके पास चला गया। मिस्टर आउल रोजर स्कंक सेड, अब मिस्टर जो आउल हैं वो तुरंत कहते हैं रोजर स्कंक सेड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई इसमें सो बैड सो यू डू द आउल सेड वेरी वेरी बैड व्हाट कैन आई डू रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। अब उल्लू के पास गया है अपनी समस्या को लेकर के और वो कहता है कि श्रीमान उल्लू जी, रोजर स्कंक ऐसा करके उसको संबोधित करता है और कहता है कि दूसरे जो छोटे छोटे जानवर हैं मुझसे दूर भागते हैं,
उसका रीज़न बता रहा है, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मुझसे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो उल्लू भी कह रहा है कि वो तो आती है, वो तो कह रहा है कि सो यू डिड, ये तो आ ही रही है, उसको भी उस पता चल रहा है। उल्लू बोलता है बहुत बहुत खराब, वेरी वेरी बैड, ये तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, वेरी वेरी बैड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक जब बोलता है तो, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब जादूगर क्या करता है, द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। तो जब वो फुट फुट कर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, जादूगर और सीधे उठकर बैठ जाती है। अब ये जो कर रही है, जादूगर जो चीखी, अब कहता है कि उल्लू, उसको तो पहले से मालूम था कि उल्लू समस्या का समाधान नहीं करता था, वो सीधे भेज देता था जादूगर के पास। तो जो है वो पहले से ही चिल्लाने लगे कि जादूगर। अब कहानी को वो पहले ही बोल दे रही है, इसको जादूगर के पास भेजा जाए, और सीधे उठ करके वह बिस्तर से बैठ जाती है। और जो बैठती है तो एक छोटी सी गोल्डन बुक है, सुनहरी किताब है, जो बिस्तर पर से नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जब कहानी में वो पहले ही जो बोल देती है कि जादूगर के पास जाए, तो अब आ जाता है गुस्सा जैक को। तो वो कहता है कि अब जो डैडी कहानी सुना रहे हैं या तुम कहानी सुना रही हो, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो। अब उसको गुस्सा आता है, कहता है कहानी मैं सुना रहा हूँ और उसकी लाइनें तुम बोल रही हो। तो जो कहती है नो यू मी, नहीं मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, आप मुझे कहानी सुना रहे हैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो तुम एक काम करो, लेट जाओ और नींद लाने की कोशिश करो, ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हें नींद आ जाए। हर हेड रिप्लेस इन टू द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड। तो उसका सिर वापस सिरहाने पर आ जाता है और वह बोली, क्या बोली, अब कह रहे कि आउट ऑफ यू हेड, अब कहानी को आप सुनाइए, कहानी को कंटिन्यू कीजिए। फिर कहता है वेल, अच्छा, द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। तो थोड़ी देर उल्लू सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते, वो सोच कर कह रहा है। फिर डैडी क्या, फिर वो बच्ची कहती डैडी व्हाट। अब जो भी तो इस कहानी में वही बताई थी कि इसके बाद उसको कहाँ भेजना है, उसको तो भेजना ही है जादूगर के पास। तो जब जो बोल दी थी तो इसको गुस्सा क्यों आया, तो वही अपनी चीज़ को कह रही है कि डैडी व्हाट, डैडी क्या, आर मैजिक स्पेल रियल, दिस वाज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। तो जो अब पूछ रही, क्या जादू के सम्मोहन वास्तविक होते हैं, क्या जो जादूगर होता है जो चीज़ें वो करता है वो सही होता है, जादू की जादूगरी सही होती है कि नहीं होती है, अब एक क्वेश्चन पूछ रही है, एक नई बात थी उसके लिए। और इस महीने ही पैदा होने वाला एक वास्तविक पक्ष था जो ये पहले नहीं उसके मन में आया था, दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, पिछले महीने उसके मन में ये बात आई थी, रियलिटी फेज जो कि वास्तविक थी, सच्चाई भी थी, कि अब वो जानना चाहती थी कि क्या जो जादू होता है वो सही भी होता है या नहीं होता है। When he told her spiders eat bug, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? चलिए, वो जादू के बारे में जानना चाह रहे क्या वास्तव में होते हैं या नहीं होते, क्योंकि तो इसको पिछली जो कहानी बताई गई थी उसमें एक मकड़ी की कहानी थी, जब उसने बताया कि मकड़ी कीड़े खाती है, उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर पूछा था क्या वास्तव में ऐसा है, क्या ऐसा होता है,
और उसकी माँ जिसका नाम क्लेयर है, क्लेयर ने उसे बताया कि भगवान आकाश में है, द गॉड वॉज इन द स्काई, भगवान आकाश में है। क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और उसके चारों ओर भी भगवान है। सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाई एगर स्माइल, तब उसने अपने पिता की ओर मुड़कर रहस्यमय किंतु उत्सुक मुस्कुराहट के साथ उसने जिद करते हुए पूछा था, क्या पूछा था, इज ही रियली, क्या वास्तव में भगवान होते हैं, क्या वास्तव में भगवान सब जगह और चारों ओर होते हैं। देयर आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कटली। तो जैक ने बहुत रूखेपन से उत्तर दिया, कहा कि हाँ कहानियों में वास्तविक होते हैं, कहानियों में तो असली रूप में होते हैं, कहानियों में ही सही होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड क्रूली, सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, उसकी बात के कारण, रुकेपन के कारण एक कहानी का एक दौर वो भूल गया था। अब बीच में डिस्कशन होने लगा, अब वो कहानी बीच में मिस होने लगी थी, कहानी मिस होने लगी क्योंकि उसने पूछ लिया था कि क्या भगवान वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं। अब कहानी बीच में छूट जा रही, अब कहानी को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। द आउल सेड, तो उल्लू क्या कहता है, गो थ्रू द डार्क वुड अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, व्हाट्स अ क्रिक, उल्लू बोलता है घने जंगलों से होकर जाओ, सेब के वृक्ष के नीचे से होकर निकलो और क्रिक के उस पार, जो क्रिक है कहता है, इनटू स्वैम ओवर द क्रिक, स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, तो कह रहे कि दल जो एप्पल के ट्री के नीचे से जाओगे तो क्रिक के उस पार एक दलदल है। तुरंत जो एक क्वेश्चन पूछ लेती है, व्हाट अ क्रिक, क्रिक क्या होता है, तो क्रिक के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है। तो अब जैक उसको बता रहा है कि क्रिक होती क्या है, कह रहा है कि अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, छोटी नदी को क्रिक कहा जाता है, कहता है नदी के उस पार जाओ, ओवर द क्रिक, नदी के पास बार जाओ, एंड देयर विल बी अ लिटिल विजार्ड हाउस, वहां पर एक छोटे जादूगर का घर मिलेगा, एंड दैट सी वाज द रोजर स्कैंक वेंट एंड प्रिटी सून ही केम इनटू द लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। अब उसने ऐसा ही किया, जो रोजर स्कैंक था उसने ऐसा ही किया, तो उसको बता दिया गया था नदी के पार जाओ और वहां तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा, और उसी मार्ग से ही रोजर स्कैंक गया और काफी जल्दी ही वह छोटे से सफेद मकान पर पहुंच गया, और पहुंचकर उसके दरवाजा को नॉक करता है, रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे को खटखटाता है, उसको खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल एंड अंडर द कवर जोज टाल फिगर क्लेंस्ड इन द इन्फेंटाइल थ्रिल, कह रहा है कि जैक ने जब खिड़की को खटखटाया तब जो जैक थी, अब वो एक्चुअली सो रही थी, केम इनटू द लिटिल व्हाइट हाउस, सॉरी एंड दैट सी वाज रोजर स्कैंक वेंट एंड प्रिटी सून ही केम टू द लिटिल, हो गया, एंड ही रैप्ड द डोर, जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल, जो जैक था वो क्या कर रहा था, जो कहानी सुना रहा है एक खिड़की के आधार को खटखटा, जो खिड़की था वो अब एक खुद खिड़की को खटखटा रहा है, और चादर के नीचे लेटी जो उसकी लेटी एक बच्ची थी वो एक एक्साइटमेंट से वो भी अकड़ जाती है। अब उसको भी लगता है कि कोई अब खास कहानी में मोड़ आएगा, कोई एक्साइटमेंट होगा, तो उसकी बच्ची जो है वो भी फिगर क्लींस्ड इन इन्फेंटाइल थ्रिल, जैसे छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसी तरह से जो भी क्या होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही है कि कहानी में कोई ना कोई एक नया मोड़ आएगा। एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विच विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड ई व्हाट इज व्हाट्स वांट
यू स्मेल ए फुल द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवराइट इफेक्ट ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग ऑफ हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आईज हिज फेल्ट फॉर द इंटरवल रिमिंग ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। अरे कि वो जिस तरह से कहानी को सुना रहा था वो लग रहा था कि खुद उसी के एक्शन भी कर रहा था। और तब एक छोटा सा बूढ़ा जब वो खटखटाता है तो बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और नुकीली नीले रंग की टोपी पहने हुए था। और वो आते ही बोलता है, अरे क्या बात है, निश्चित रूप से बाहर आएगा तो पूछेगा तुम क्या चाहते हो, तुमसे तो बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। अब जादूगर की आवाज़ बनाना यह जैक का एक मनपसंद डायलॉग था, वो जो जादूगर की आवाज को खुद निकालता था, वो फेवराइट इफेक्ट था, खुद वो इफेक्ट देता था अपनी बात से। और जैक का ये खुद का फेवराइट इफेक्ट था जो जादूगर की आवाज में वह निकालता था। ऐसा वह अपने चेहरे को एक प्रेशर दे करके बोलता था और ऐसे लगता था कि वो आंखों से करा रहा हो, जो स्क्रीनिंग कर रहा हो उसके आई से स्क्रीनिंग हो रही है। समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज इस तरह से स्क्रीनिंग करता था, हिज फेल्ट फॉर द इंटरवल रमिंग, तो ऐसे लगता था कि जैसे उसको कोई अंदरूनी बीमारी है और उससे जो दर्द का अनुभव होता है, गठिया हो गई हो उसका जो अनुभव होता है, ऐसा एक्सप्रेशन वह चेहरे पर लाता था। और उसे लगता था कि वह एक बूढ़े का अभिनय करना उसके लिए बहुत ही अनुकूल था। He felt being an old man suited him. उसको लगता था कि अगर बूढ़े व्यक्ति का वो अभिनय करेगा तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, उसको सूट करेगा। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. तो अब ये बता रहा है कि मुझे तो मालूम है, रोजर स्कंक कहता है कि मुझसे तो बदबू आती है तो मुझे पता है, और सारे छोटे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन उस विशाल और बहुत ही बुद्धिमान उल्लू ने मुझे बताया है कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो आज के पार्ट वन में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या जादूगर वास्तव में रोजर इस कंक की मदद करता है या नहीं करता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसके बाद क्या कुछ होता है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट के लिए आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।